top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. ये कार जो है मुझे अपने घर जो कार है ये मेरी 4 अगस्त 2015 को घर के बाहर से चोरी हुई थी और तकरीबन 10 महीने से मैं इस कार को ढूंढने में लगा हुआ था और इसी दौरान मेरी एक दूसरी गाड़ी के चलते मैंने जब ये कार्रवाई ओलेक्स पे करी तो मुझे ये 22 मई को ये मुझे शाम को ओएलएक्स पर मुझे सर्च करने के दौरान पता चली कि मेरी गाड़ी जो है ये ओएलएक्स पे पोस्टेड है जो गाड़ी चोरी हुई है और इसी दौरान हमने थाने में जा कर के रात को 9:30 बजे अमरनाथ यादव जी से अपनी NCRB रिपोर्ट लेकर के हम लोग गए और हमने उनको कहा कि सर हमारी गाड़ी जो है जो चोरी हुई है 10 महीने पहले वो ओएलएक्स पे पोस्टेड है। तो उसके बाद उनका क्या सहयोग रहा, पुलिस का क्या सहयोग? पुलिस का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं पुलिस की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पूरे मिशन में मेरा सहयोग करके मेरी गाड़ी को वापसी मुझे दिलवाया और अगले दिन हम लोग ने सुबह 10 बजे हम लोगों ने पूरी टीम फॉर्म करी और टीम फॉर्म करके हम लोग सीधा लोनी पहुंचे। लोनी से हम लोगों ने वहां पर जो ओएलएक्स में जिन्होंने ऐड पोस्ट करा था उनसे हमने कांटेक्ट करने के बाद उनसे गाड़ी हमने बरामद करी और बरामद करने के बाद हम लोगों ने उनको थाने वापस उनके साथ हम लोग यहां पर वापस आए। ये गाड़ी आपको कहां से मिली और किस विजुअल निकलवा सकते हो? विजुअल अभी लो, विजुअल मिल जाएगा आप ऐसा। सर एक कार ओएलएक्स चोरी की गई पहले उसके बाद उसको ओएलएक्स पे डाल करके बेचने की पूरी साजिश की गई थी, क्या है पूरा मामला, पुलिस कैसे वहां तक पहुंची? कुलवंत सिंह सेक्टर 21 के रहने वाले हैं, उनकी ये गाड़ी अगस्त में चोरी हो गई थी होंडा सिटी। कुलवंत सिंह सर्फ करते रहते थे, एक बार अभी उन्हें ओएलएक्स पे वही गाड़ी उसी नंबर की गाड़ी होंडा सिटी उन्होंने उसका फोटो देखा तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उस आदमी का डिटेल लेके जिसका नाम अहमद सन ऑफ गुलजार प्रेमनगर लोनी का था बाहर रेड की और उनकी गाड़ी बरामद की। इस व्यक्ति को गाड़ी किसी और व्यक्ति ने बेची थी और उस आदमी का नाम अभी चूँकि हम इसके डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं उसके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं और जल्दी हमें उम्मीद है उसकी हम गिरफ्तारी कर लेंगे और या तो वही चोर है या हो सकता है कोई उसके पहले वाला जो चैन में आएगा वो चोर होगा और इस तरह से ये गाड़ी बरामद हुई है। उसने खरीदी है, उसने दूसरे व्यक्ति से खरीदी है, उस आदमी का नाम उसने बताया है, उसको हम ट्रेस कर रहे हैं, या तो वो चोर होगा या हो सकता है उससे उसे भी किसी ने बेची हो। उस पर एग्जैक्ट पैसा तो नहीं हम बता दें, छोड़ दें। हम लोग ये इसकी जांच कर रहे हैं कि OLS.com ने इस चोरी की चीज वहां लिस्ट हुई है क्या उन्होंने 79 IT Act का पालन किया कि नहीं किया। अगर 79 का उल्लंघन पाया जाता है तो निश्चित रूप से इस वेबसाइट के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। फेस होगा जरा चाय पर क्यों नहीं कर रहा और
स्टाइल है यादव विश्वास। क्या बताओ हमें ये नहीं तो नाम से आपको क्या है? आपने तो अपनी कार ढूंढी है और आप ही ने ढूंढी थी सेकंड हैंड कार आप देख रहे थे पुलिस को तो बैठे बैठे मिल गई। अच्छा ये कब आपने आपको कब तो सिर्फ हम लोग पानी पिए। सेकंड डे हमने जब सेकंड डे लोग जब गए पकड़ने के लिए दोबारा टीम लोग ही लेके गए और अहमद को भी बीच में डाला हुआ था, वो मेरी गाड़ी के पीछे ही बैठा था, तो जब वो भी साथ हमारे घूम रहा था हमारे साथ। तो 5 बजे जाकर के जब हम लोग वापस आ रहे थे तब हमने खाना खाया, 6 बजे फिर हम लोग अहमद को लेके डिफेंस में मेरी गाड़ी है मैं नहीं। अच्छा तो सिर्फ मतलब मैं अपने रियल सेट का काम कर अच्छा हालांकि डैडी के साथ रहे हैं डिफेंस में हमारे अंदर पूरा डिफेंस का ही पूरा अंदर हमें घुसा हुआ है, सिविलियन हम लोग हैं ही नहीं। डिफेंस में मेरे पापा भी हैं किसमें है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे ये बम ये सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डिफेंस में है कानपुर में, तो उसमें है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसमें जीडब्ल्यू तो एयरफोर्स में होंगे तो एयरफोर्स आपके रेडी होंगे सिविल में। हाँ एक्चुअली जहाँ आपने आपकी आपकी कार कहाँ से चोरी हुई थी और सर आपने ये कार अपनी कहाँ से ढूंढी? ये कार मेरे घर के बाहर पार्किंग से चोरी हुई थी 4 अगस्त 2015 को, और इसी दौरान 4 अगस्त के बाद मैंने गाड़ी जो है ओलेक्स पर रेगुलर सर्च करने के बाद ये मुझे 22 मई 2016